कोई घोड़ा चला रहा है, कोई ढाबे का काम कर रहा है, कोई गाइड का काम कर रहा है। हमारा समझो ये फैक्ट्री था, टूरिज्म हमारा एक फैक्ट्री था। पर हम इनको कभी भूलेंगे नहीं कि हमारे लिए 10-15 साल कैसे आए कश्मीर में, इतने बुरे रहे कि कभी हम भूल नहीं सकते इनको। इंडियानामा इस हफ्ते कश्मीर से आ रहा है आपके पास, लेकिन हम यहाँ ना आतंकवाद की बातें करने आए हैं, ना हिंसा की, ना राजनीति की। हम आए हैं उस पुराने कश्मीर की खोज में जिसके बारे में कहते थे कि धरती पे स्वर्ग है। क्या उस कश्मीर के कुछ आसार बाकी हैं? क्या वो कश्मीर दोबारा जिंदा हो सकता है? दहशत शुरू होने से पहले गुलमर्ग कश्मीर के ताज का कोहिनूर था। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही यहाँ देश के बड़े रईस, उद्योगपति, राजे महाराजे पहुँच जाते थे पूरे परिवार के साथ। कई कई हफ्ते डेरा जमा रहता था और कश्मीर की जिंदगी का ये लोग एक अहम हिस्सा बन जाते थे। दिन में गोल्फ खेला जाता था, बच्चे घोड़ों पे पिकनिक करने जाते थे और शाम को रोज़ किसी के हट में या हाईलैंड पार्क होटल में पार्टी होती थी। उस पुराने गुलमर्ग में अलपत्थर या खिलनमर्ग जाना होता तो सिर्फ घोड़े वालों का सहारा था। आज गंडोला है जो सर्दियों में स्कीइंग की उम्मीद से 10 साल पहले बनाया गया था। उसमें बैठकर हम कंगन डोरी गए। मैं तो बचपन से आती रही हूँ गुलमर्ग, और एक जमाना था जब बड़ा ग्लैमर था गुलमर्ग का। बॉम्बे दिल्ली के रईस और महाराजे राजे सब आते थे, हट्स लेते थे, और एक अलग ही माहौल था गुलमर्ग का। वो जमाना कभी दोबारा आएगा? ऐसा जब हम घर में बैठते हैं, हम सोचते हैं कि सपनों में भी वो जमाना शायद नहीं आए, सपनों में भी वो जमाना नहीं आए। क्यों? आपने बोला ना रवीसों की बात, हम भी जानते हैं हिंदुस्तान में कौन रवीस है, कौन मीडियम साइज का है, कौन उससे लो है। सब गाइड का धंधा एक ऐसा था कि हर किसी आदमी के साथ बात कर सकता था। यहाँ पे एक फैमिली आती थी मुरारका करके, उसका एक भाई पार्लियामेंट मेंबर है कमल मुरारका, उसका भाई है अंबू मुरारका। वो हमारा भाई जैसा है, टूरिस्ट नहीं, भाई है। तो अगर वो यहाँ पे आता था एक महीना दो महीना यहाँ पे रह के जाता था, जैसे झुनझुन वाले, दालमिया वाले, ऐसे बहुत बहुत लोग हम उनको भी जानते, पारसियों में भी जानते हैं कौन लोग यहाँ पे आता था। जब हम लोगों को इन 12 सालों में वो याद पड़ते थे, हम पागल जैसे बन जाते थे। हम बोलते थे ये हुआ क्या, हुआ कैसे? पूरी कश्मीर जो है, आपने बोला ना कश्मीरियों ने थोड़ा खराबी कर दिया, ये 5 उंगली सेम नहीं है। जब मुझे खाने के लिए पैसा नहीं है तो मैं बाल कैसे जाऊंगा? कुंडला बन गया यहाँ पर, ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। अभी यहाँ से हमें थोड़ा बहुत बनता था मजदूरी का, तो फिर बना दिया दूसरा स्टेशन इन्होंने। क्या ऊपर तक लेके जाते ऊपर थे? ऊपर तक ले गए जी, खिलनमर्ग तक। खिलनमर्ग ले जाते थे और वो वाटरफॉल ले जाते थे और बर्फ दिखाते थे। हाँ। बाद में इन्होंने दूसरा यहाँ पर स्टेशन बना दिया ऊपर के लिए। तो अभी तक तो ऊपर तक बना नहीं है, तो आप तो जाते होंगे? जी आज तो जाते हैं, मगर फिर कम है, काम कम है बिल्कुल, क्योंकि टूरिस्ट लोग नहीं आते। टूरिस्ट लोग नहीं आते, और जो भी नीचे से आता है वो इसमें आ जाता है। अभी ये बनेगा दूसरा तो इसमें चले जाएंगे ऊपर, फिर तो घोड़े का काम बिल्कुल बैठ जाएगा। का सबसे अच्छा वक्त कौन सा था? 1975 तक अच्छा था। 1975 1975 से गुलमर्ग अच्छे नहीं रहे, और उससे अलावा जो यहाँ पे घोड़े वाले हैं गुलमर्ग से अब खिलनमर्ग जाते थे, कुंगडोरी जाते थे, अलपत्थर जाते थे,
अपना रोटी कमाते थे बहुत अच्छे से, बहुत बड़े तरीके से, अच्छे तरीके से कमाते अपने रोज़गार। और जब तक जब इन्होंने ये गंडोला बनाया, घोड़े वालों और मजदूरों को रोजी मार हो गया। तो जो यहाँ के लोग हैं उनको टूरिज्म से कोई फ़ायदा नहीं है? है फायदा, है, है फायदा। अगर टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे तो फायदा है, टूरिस्ट कम हो जाता है फायदा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर कम से कम 20,000 लोग इस गुलमर्ग में काम करते थे, आज भी है। जब ये मिलिट्री से आ गया तो तब से थोड़ा कमती हो गया, टूरिस्ट भी कम हो गया। टूरिस्ट तो है नहीं, लेकिन कश्मीर सरकार की कोशिश जारी है। देहातों से इन कश्मीरी और लद्दाखी आर्टिस्टों को बुलाया गया है एक टूरिस्ट मेले के लिए। इनके गीत और ढोलों के बावजूद गुलमर्ग में एक अजीब सूनापन महसूस होता है, खास करके हाईलैंड पार्क होटल के इन खाली कमरों में। यह है गुलमर्ग के हाईलैंड पार्क का बार। यहाँ किसी ज़माने में इतनी रौनक होती थी, यहाँ की महफिलें इतनी मशहूर होती थी कि दिल्ली बॉम्बे में इनके चर्चे होते थे। दूर दराज से लोग सीज़न में आते थे और इतने लोग आते थे कि सीज़न में सीज़न के लिए बुकिंग्स कई महीने पहले करनी पड़ती थी। आज ये हाल है कि हमारे अलावा कोई और गेस्ट नहीं है इस होटल में। फ्रेडी नीडो हाईलैंड पार्क होटल के मालिक हैं और फारूक अब्दुल्ला के चचेरे भाई। उनको वो दिन याद हैं जब उनके होटल की बुकिंग एक साल पहले करनी पड़ती थी। उन दिनों के बारे में थोड़ा बताएं, वो कैसे ये खास होता था होटल यहाँ का? पूरे कश्मीर में हाईलैंड पार्क ही एक ऐसा था जहाँ ये माहौल होता था। हाँ, क्योंकि वो लोग आते, वो एक दूसरे को जानते थे, तो पार्टियाँ करते थे, खाना खाते थे, बहुत मज़ा करते थे। हाँ, और हट्स में भी जो आते थे वो भी एक दूसरे को जानते थे, तो वो सब जानते, वो सब गया। एक ज़माना होता था कि जब मैं बच्चा होता था उस वक्त जो भी गुलमर्ग में आता था वो एक दूसरे को जानता था, हर कोई। हाँ, और वो दिन नहीं आएंगे दोबारा? कैसे आ सकते हैं वापस? पहले बोला कि अभी टाइम लगे, सिर्फ खौफ की वजह से। खौफ भी है मगर अनसर्टेनिटी है। ये जो माहौल था उस गुलमर्ग का, ये अब आपकी नजर में कभी फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा उसको लाने के लिए? दुआ करनी पड़ेगी।
मोहम्मद सुल्तान साहब, हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि आपको जो पुराना कश्मीर था वो क्या याद है और अब क्या है? जो मैडम पुराना कश्मीर था, आप अगर हम उस पर नज़र डालते हैं तो वो जन्नत था। इस वक्त हमारी कश्मीर जो है 89 के बाद सब कुछ बर्बाद हुआ। हमारा जो ये इस वक्त का जो कश्मीर है, प्रेजेंट पोजीशन जो हमारे सामने है, बहुत मुश्किलों का, हर एक चीज़ का सामना है। सबसे बड़ा सामना तो ये है ज़िंदगी जिसको कहते हैं, दूसरा सामना है हर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप जहाँ भी नज़र मारेंगे कश्मीर के कोने पर, जिसको वादिया जन्नत कहते थे, वो तो एक बात ही रहेगी। कभी वापस आएगी वो जन्नत? हर एक तो आने वाले जो हम अपने वोटों से बनाते हैं, आकर तो वो वादा करते हैं हमसे कि वो जन्नत वापस आ रहा है। कोशिश तो हो रही है, लोगों से भी, गवर्नमेंट से भी, आने वाले लोगों से भी। जो इस साल का जो नज़रिया था उसमें ज़्यादा उम्मीद नज़र आ रही थी, जिस पर डिपेंड्स कश्मीर है टूरिज्म के ऊपर। इस साल आए थे लोग? इस साल आए यात्री लोग, आए बड़ी इज्जत आबरू से, आए आराम से, आए भी और गए भी। उसमें तो सीजन में कितने दिनों का काम रहा आप लोगों के लिए? सीजन में तो आप बड़ी मुश्किल से यात्रा का काम रहा, उतने टूरिस्ट तो हम नहीं कहेंगे, टूरिस्ट तो आ रहे हैं मगर उतने नहीं आ रहे हैं कि जितना आने चाहिए। अभी तो यही के एक पैसे के बराबर भी नहीं है। उस वक्त कितने लोग आते थे और ये पिछले 15 सालों में कितने आए हैं? मैडम उस वक्त तो दिन दोगुनी और रात चौगुनी थी, ये दुआ था। इस वक्त तो बददुआ है, आने वाले जो आना चाहते हैं क्रॉसिंग नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी बदनामी ऊपर से ही नीचे तक है। हम तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं इसके लिए, लोग बहुत जोर से कोशिश कर रहे हैं। गुलमर्ग से श्रीनगर, जहां हम जम्मू कश्मीर के पूर्व महाराजा डॉक्टर करण सिंह से मिले। कश्मीरी मुसलमान तबाह हो गए, कश्मीरी पंडित तबाह हो गए, लद्दाख के लोग कारगिल के युद्ध की वजह से तबाह हो गए। जम्मू क्षेत्र में रोज़ लड़ाई होती है, रोज़ वहां बॉर्डर के ऊपर फायरिंग होती है, रोज़ रेफ्यूजी भागते हैं। तो तीनों खित्ते जो हमारे पास हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन तीनों में तो बहुत तबाही बर्बादी हुई। और जो कश्मीर की रूह थी, जिसके बारे यहाँ पे कहा जाता था, आपको तो मेरे से ज़्यादा मालूम है कि कश्मीरी इतने अमन परस्त हैं कि जब गुस्सा आता है तो कांगड़ी फेंक देते हैं, तो उसी को लड़ाई मानते हैं। तो अब तो बंदूकें आ गई हैं, तो आ गई हैं, ज़माना बदल गया है। नए जो नौजवान कश्मीरी हैं वो, उनके दिलों में एक और किस्म का जज्बा भी उठा है। और फिर ये जिहादी प्रोपागेंडा जो है, ये जो प्रचार है, इसका भी असर पड़ता है नौजवानों पे, मुस्लिम यूथ के ऊपर सारी दुनिया में असर पड़ रहा है इसका। तो वो कश्मीरी पुराने जो कहते थे वो तो वो बात नहीं रही। लेकिन कश्मीरी जो हैं, एक बात याद रखिए तबलीग, ये जो रियासत है ये रियासत कश्मीर नहीं है। लोगों को बड़ी गलत फहमी है, इस रियासत का नाम है जम्मू कश्मीर। हमारे पूर्वजों ने ये रियासत बनाई। डॉक्टर करण सिंह ने अपना बचपन इस करण महल में गुजारा और जहां वो अपनी पूर्व रियासत के हाल पे रोते हैं, वहां वो ये भी मानते हैं कि कश्मीर में अभी भी वो पुरानी बात बाकी है। कश्मीर की सुंदरता जो है वो तो बरकरार है, लेकिन जो उस समय एक सुकून था, एक शांति थी और एक एक और किस्म का माहौल था। मेरे बचपन में तो अंग्रेज़ राज करते थे दिल्ली में, और इस राज्य में मेरे पिताजी महाराजा थे, तो राजनीतिक माहौल बिल्कुल अलग था। लेकिन एक बात याद रखिए कि उन दिनों में प्रजातंत्र नहीं था,
शख्सी राज था, फ्यूडल रूल था, उस पर कुछ अच्छाइयाँ भी थीं, कुछ बुराइयाँ भी थीं। अब उसके बाद 1947 के बाद बहुत तेज़ी के साथ परिवर्तन आया और जम्मू कश्मीर के ऊपर तो एक मुसीबत टूट पड़ी 47 से बाद ही। 4 बार तो युद्ध हुए हमारे, तो उसकी वजह से जो एक एक बना हुआ था सुकून जैसा, एक ढांचा बना हुआ था, वो सारा नष्ट हो गया और आज तक वो संघर्ष चल रहा है, लड़ाई चल रही है, या परोक्ष लड़ाई होगी या अपरोक्ष होगी, आइदर एन ओपन वॉर और ए कवर्ट वॉर, लेकिन चल रहा है। इसलिए कठिनाइयां तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप इस रियासत के महाराजा भी रहे हैं, आपकी नज़र में कौन सी चीज़ है कश्मीर की जो ख़ास है, क्योंकि खूबसूरत जगहें तो और भी हैं इस देश में? नहीं, कश्मीर की कुछ बात है ज़रूर तबलीग। कश्मीर की हवा में, कश्मीर की आबो हवा में, कश्मीर के मंज़र में, कश्मीर की इतिहास में और कश्मीर की चेतना में कुछ ज़रूर है। अब क्या है इसका कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं भी सारी दुनिया घूमा हूँ आप जानते हैं, लेकिन कश्मीर की कुछ बात और ही है। और हम तो यही प्रार्थना करेंगे भगवान से और दुआ करेंगे कि भाई कश्मीर जो है वो पुराना कश्मीर ना सही, लेकिन नया कश्मीर जो बने, कम से कम उसमें फिर से वो सुगंध जो पहले आती थी हवा में, जो एक सुगंध थी, जो सुंदरता थी, वो फिर से बरकरार हो। दहशत और बंदूक का दौर जब उरूज पे था तो शादी ब्याह भी चुपके से होते थे, अब खुल के होना शुरू हो गए हैं, तो इसमें भी उम्मीद की हल्की सी किरण नजर आती है। और इसमें भी कि श्रीनगर का पैलेस होटल जो कई साल बंद पड़ा रहा, अब दोबारा खुल गया है। सूरी साहब, आपने अगर कोई एक शख्स है जिसने अपने पैसे डाल के उम्मीद जताई है कश्मीर के भविष्य में, तो आपके बारे में ये कह सकते हैं, क्योंकि आपने उस वक्त इन्वेस्टमेंट की है इस होटल में, इस पैलेस होटल में, जब ये बिल्कुल तकरीबन खंडर बन चुका था, तो आपको ये करने का क्या क्यों सूझा? मैं जब 6 साल का था, मैं पहली दफ़ा श्रीनगर आया था अपने पेरेंट्स के साथ, उसके बाद हर साल हम यहाँ आते थे, और मेरा कुछ ऐसा लगाव लग गया इसके साथ कि मैंने सोचा कि ये ऐसी जगह है कि इससे बढ़िया जगह सारे वर्ल्ड में नहीं है। तो जब यहाँ पे 1996 में जब मैं आया यहाँ, जब गवर्नमेंट फॉर्म हुई, तो मैंने देखा कि ये जगह इतनी ख़राब हो चुकी थी, यहाँ 8-8 फुट का घास उगा हुआ था, छत सारे बैठ गए थे, कमरों में पानी, कमरों में घास उगा हुआ, तो मेरे दिल में बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा ये वही जगह है जहाँ हम आके यहाँ महीने रहते थे और सारे जितने हिंदुस्तान के जितने फिल्म क्राउड होता था या अच्छी फैमिलीज़ के लोग आते थे, सब यहाँ आके रहते थे। तो मैंने सोचा कि नहीं, इसको तो वापस, इसको वापस उसकी ग्लोरी में लाना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने डॉक्टर करण सिंह से बात करनी शुरू की, फिर हमने 2 साल लगाए, हमने 250 वर्कर दिल्ली से भेजा, जो 250 वर्कर यहीं रहा, होटल में रहा, और इसको सारे को ठीक ठाक किया। आपकी उम्मीद कभी टूटी नहीं बीच में? मेरी ना टूटी और ना टूटेगी, क्योंकि मैं अभी भी ये सोचता हूँ कि ये जगह, ऐसी जगह कभी सारे किसी वर्ल्ड में नहीं है, और कभी ना कभी तो हाल ठीक होगा ही। आगे से इस साल तो काफ़ी अच्छा हाल हुआ है। 1999 में कितनी थी आपकी? इसकी ऑक्यूपेंसी अप्रैल से आज तक कोई अबाउट एवरेज 45% के करीब चल रही है, जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। और पिछले सालों में 5-7-10% चली, और फिर भी हमने काफ़ी नुकसान हुआ, पर हमने वो नुकसान अपने आप को सह लिया। ये जगह ऐसी बन जाएगी
कि ये स्विट्जरलैंड से भी बेटर हो जाए। आपको क्यों इतनी उम्मीद है, किस वजह से इतनी उम्मीद रखते हैं आप? देखिए ये तो एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस ऐसा है कि यहाँ के लोग, जो यहाँ के लोग रहते हैं, वो इतने तंग आ गए हैं इंसर्जेंसी से कि वो खुद चाहते हैं कि ये ख़त्म हो, उनकी रोज़ी रोटी ख़त्म हो गई। कितनों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, कईयों की टैक्सी हैं, कईयों की हाउस बोट है, कईयों के शिकारे हैं, कईयों का हैंडीक्राफ्ट का काम है, कोई कारपेट्स बेचते हैं। अब वो सब इतने लो लेवल पे आ गया कि उनके घर के दो पैसे नहीं रहे घर चलाने के लिए। मेरे साथ हैं अश्विनी कुमार, जो कांग्रेस के एमपी हैं और जिनका वास्ता कश्मीर के साथ बहुत पुराना है। कितना पुराना है अश्विनी साहब? बचपन से ही, जब मैं 9 साल का था तब से अपने पिता के साथ यहाँ आते थे, दो दो महीने रहते थे। आज भी वही जो यादें हैं मेरे जहन में ताज़ा हैं, और आज बहुत साल के बाद मैं श्रीनगर की वादी में आया हूँ। कितने सालों के बाद? करीब 22 साल के बाद श्रीनगर की वादी में आया हूँ, और मुझे आज भी वही एहसास महसूस हो रहा है। किसी शायर ने कहा था, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है, यही है, यही है, यही है। और आज भी इन्हीं वादियों में आपके साथ बात करते हुए मुझे यही लग रहा है कि ये जो कत्लो गालत का सिलसिला है, इस वादी से सैकड़ों लाखों मील दूर है, ऐसा मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। और मैं, मेरा ये मानना है कि हम सब, आप और हम सब मिलके इस वादी को वही रंगत दोबारा दे सकते हैं जो बचपन से, जिसकी यादें मेरे जहन में हैं। क्या वो पुराना कश्मीर ख़त्म सा नहीं हो गया है? मैं नहीं मानता हूँ। कश्मीर का एहसास आज भी बुलंद एहसास है, सेकुलर एहसास है। लोगों में बहुत आपसी मोहब्बत है। मैंने कल देखा, शिकारे पर मैं गया, कल बाहर खाना खाने गया, मुझे तो कुछ फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। मैं उस दुकान पर गया जिस दुकान से मैं जब 9 साल का था तो मछली पकड़ने की जो बटरफ्लाइज थी वो लिया करता था, आज भी मुझे वही प्यार, वही मोहब्बत का एहसास हुआ। मैं समझता हूँ कि चंद लोगों के सिर फिरे ख्यालों को लेकर इस वादी की जो रूहानगी है उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। आपसे अगर मैं पूछूं कि कश्मीर की हवा में क्या चीज़ है जो ख़ास है, जो इस तरह की जो भावनाएं आपने अभी मुझे सुनाई पैदा करती हैं लोगों के दिलों में? मैंने हमेशा ये कहा है कि कुदरत ने कश्मीर को हवा और पानी ऐसा दिया है जिसमें कुछ ख़ास अनोखापन है। कश्मीर के हालात देखकर मजरू सुल्तानपुरी का एक शेर याद आता है, चा के जिगर मोहताज रफू है, अब तो दामन सिर्फ लहू है। एक मौसम था हमको था यारों, शौक बहारा तुमसे ज़्यादा। तो दुआ करते हैं कि वही शौक बहारा का मौसम कश्मीर में जल्दी वापस आए।